हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताने वाले जा रहा हूँ कि कोई भी फेस है उसको क्लीन कैसे करते हैं, साफ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको इस फोटो को एडिट करने के लिए या फोटो को साफ करने के लिए सबसे मुझे एक सॉफ्टवेयर की चाहिए, वो है फोटोशॉप PS CX6। आप ले सकते हैं उसको या फोटोशॉप 7। सबसे पहले इसको खोलने के बाद हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने एक पहले से फ़ोटो को सेव कर रखा है, उसको मैं ओपन करता हूँ। दोस्तों फोटोशॉप में सबसे खास बात यह है कि इसमें आप शॉर्टकट की का यूज करें, इससे काम आपका जल्दी होगा और आसान होगा। जैसे मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार को दबाता हूँ तो ये फ़ोटो बड़ा हो रहा है, और अल्ट प्लस स्पेस बार को दबाऊंगा तो फ़ोटो छोटा हो रहा है। स्पेस बार को दबाने से फ़ोटो मेरा यहाँ वहाँ होगा। जैसे मैं ये फ़ोटो को बड़ा कर लेता हूँ, स्पेस बार को दबा के माउस को यहाँ मैं घुमाऊँगा तो फ़ोटो मेरा यहाँ वहाँ हो रहा। तो चलिए, जैसे आप देख रहे हैं कि इस फ़ोटो में काफ़ी सारे पिंपल्स हैं इस खूबसूरत एक्ट्रेस पे, तो इसको हमको साफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हम स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल में जाएंगे। जाने के बाद बस जहाँ जहाँ पिंपल्स आपको दिख रहा है वहाँ आप क्लिक करते जाइए। देखिए, बहुत सिंपल है दोस्तों फोटोशॉप में फोटो को साफ करना, जिसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, काफी सारा पिंपल्स है तो इसको हम साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद दोस्तों कुछ फोटो में कुछ खास नजर नहीं आ रहा कि फोटो अभी भी क्लीन हुआ है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, एक पिंपल्स लग गया, मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम एक लेयर चढ़ाएंगे। लेयर के लिए कंट्रोल प्लस जे का भी यूज कर सकते हैं, या ये जो लेयर है उसको हम यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे। तो दोस्त जो मेरा लेयर वन है उसको हम हाइड कर देंगे, दूसरा लेयर पे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। चलिए, क्योंकि फोटो को थोड़ा ग्लेजिंग बनाना, थोड़ा और साफ बनाना है, तो सबसे पहले हम फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गार्जियन ब्लर पे हम क्लिक करते हैं। इस पे दोस्तों जो रेडियस है इसका, ये 4 से 5 के बीच में रहना चाहिए, जैसे आपका फोटो जो है वो थोड़ा ब्लर ना नजर आए, धुंधला नजर आए। ठीक है, तो इसको हम 4.3 रखते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों इस पे हम एक लेयर चढ़ाएंगे, ये बोल सकते हैं लेयर वन पे हम एक बार चढ़ा रहे हैं। इसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ हम ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक कर लेने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे ब्रश टूल, पेंट ब्रश टूल, इसको हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये मेरा जो फोटो है वो मेरा आ जाएगा पहले वाला, क्योंकि जो मैंने पहले लेयर एक चढ़ाई थी उस पर मेरा ये दूसरा फोटो आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ हम फिर से इसको वाइट ले लेंगे और हम यहाँ पर जाके अब ब्रश टूल ले लेते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे दोस्तों कि जैसे हम इस फोटो को थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपका पिंपल्स था वहाँ पे ये इस तरह से माउस के हेल्प से आप इसको कर लीजिए साफ। सब देख रहे, बहुत सिंपल है, बस अगर आपको करना तो इस तरह से आप करते जाइए। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से कीजिए, क्योंकि एक फ़ोटो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर बन जाए फ़ोटो तो फिर क्या बात है। सब लोग देख पा रहे हैं ये, और ये यहाँ भी कर लेते हैं, थोड़ा रेडियस हम छोटा कर लेते हैं। लाइंस को नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ मेरा फोटो उसको करना, आँख में नहीं करना है।
लगभग मैंने कर लिया है पूरा, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे दोस्तों, ये फोटो भी पूरी तरह से हो चुकी है। उसके बाद मैं अल्ट प्लस स्पेस बार को दबाता हूँ, फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अभी भी दोस्तों मेरा जो फोटो है वो अच्छी तरह से शायद क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग यहाँ जो है एक ओपासिटी का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। ये ओपासिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं, ये 50 से 60 के बीच में रखिए, अच्छा रहता है। इतना हम कर लिया। अब जैसे देख पा रहे दोस्तों कि मेरा फोटो जो है वो पूरी तरह से एकदम साफ हो गया है। इस एक्ट्रेस को मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया हूँ। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों। बस जो मैंने प्रोसेस किया हो उसको आप दोहराइए, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाइए। बस बहुत अच्छा तरीका है इसको फोटो को साफ करने के लिए। बस इसके बाद आप जाके इसको सेव कर दीजिए। सेवस में कहीं पर जाके कॉपी कर दीजिए, यहाँ पर आप JPEG सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।